नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। तुर्की ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के रोक लगाने की बात कहने के बावजूद वह रूस से S-400 रक्षा प्रणाली की खरीद से पीछे नहीं हटेगा। इस संबंध में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के प्रवक्ता इब्राहिम कालीन ने सरकारी प्रसारक TRT हावर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अपने कदम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। अमेज़न के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे। दरअसल उनकी जगह माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक बार फिर से ले ली है और वे दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बिल गेट्स की नेटवर्थ $110 अरब हो गई है। मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ के भांजे रितुल पुरी ने दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए जमानत याचिका दाखिल की है, जहां उनकी याचिका पर अदालत ने ED को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पुरी अगस्ता वेस्टलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवम्बर को होगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज पीने के पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग जारी की है, जिसके अनुसार पानी की शुद्धता के मामले में मुंबई पहले, अहमदाबाद दूसरे और भुवनेश्वर तीसरे नंबर पर है। वहीं इस सूची के अनुसार दिल्ली का पानी सबसे खराब माना गया है। आज देश भर में नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए पत्रकारों से सत्य की रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही बनर्जी ने पत्रकारों को नेशनल प्रेस डे की शुभकामनाएं भी दी। गौरतलब है कि 1966 से देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के लिए हर साल 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के उन जवानों को डबल हाउस रेंट अलाउंस देने का निर्णय लिया है, जिनके परिवार अभी तक पहले वाली लोकेशन पर रह रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे जवानों को उनकी बेसिक सैलरी का 16% अतिरिक्त HRA मिलेगा। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी 10वीं क्लास की परीक्षा के दौरान पेपर लीक करवाने में पकड़े गए थे। आपको बता दें कि नारा लोकेश ने ये बयान उस समय में दिया है जब राज्य के सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के जगन सरकार के फैसले पर सवाल किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तिथि के दिन कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिया है, जिसमें गढ़वा के भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र दाखिल किए कांग्रेस के बागी मानस सिन्हा ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं लोहरदगा विधानसभा सीट से नामांकन पत्रों की वापसी की प्रक्रिया के अंतिम दिन 2 प्रत्याशियों ने भी नाम वापस लिए हैं। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क और कुमाऊं के चंपावत जिले में स्थित नदौर अभ्यारण्य के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं, जहां आज पहले दिन राजाजी में 126 और जिम कार्बेट में 250 सैलानियों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए पर्यटकों को ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसके तहत सैलानियों को अब प्रतिदिन जिप्सी के लिए 1500 के बजाय 2100 रुपए चुकाने होंगे। राजस्थान में हाल ही में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सैकड़ों करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद से इनके खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही है। दरअसल राजस्थान के सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने के लिए दिए गए लिंक पर पिछले 20 दिनों में 4500 शिकायतें आ चुके हैं और इन शिकायतकर्ताओं ने करीब 142 करोड़ के फर्जीवाड़े की शिकायत की है। अयोध्या मामले के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में आयोजित होने वाली बैठक पर एतराज जाहिर करते हुए कहा कि वो अब इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहते और अयोध्या मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में अमन और शांति रहे। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान नजदीक आ चुका है। इस बीच भाजपा की सहयोगी रही आजसू ने आज 6 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है। आपको बता दें कि अब तक आजसू द्वारा जारी की गई सूची में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।
मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने 144 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 350 बिस्तरों वाले विदिशा के जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण करते हुए इसका नामांकन दिवंगत माधवराव सिंधिया के नाम पर किए जाने का ऐलान किया है। सीएम कमलनाथ ने अस्पताल का लोकार्पण करते हुए कहा कि हमने 11 महीने में साफ नियत और नीति से पूरे प्रदेश में भरोसे का वातावरण बनाया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अब जल्द ही हर क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए यहां वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जाएगा ताकि विभिन्न खेल क्षेत्रों में खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर विश्व में देश व प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। केंद्र की मोदी सरकार परेशानियों से गुजर रहे दूर संचार क्षेत्र को बड़ी राहत दे सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल के भुगतान को लेकर वित्तीय राहत पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल बकाया 92,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। फेसबुक ने जानकारी दी है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से 540 करोड़ फेक अकाउंट को रिमूव कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी फेसबुक ने 330 करोड़ फेक अकाउंट को रिमूव किया था। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले किसी भी चीज को अच्छे से परख कर सकती है। इसके साथ ही महिलाएं परेशानी के वक्त ज्यादा तेजी से निर्णय लेने में भी आगे होती है, क्योंकि उनकी परख परेशानियों के वक्त में ज्यादा काम आती है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आईपीएल के अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे, जहां वे रहाणे का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि रहाणे की अगुवाई में पिछले सत्र में राजस्थान रॉयल्स कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 80 और 90 के दशक में फिल्म पर्दे पर राज करने वाली मीनाक्षी सेसादरी का जन्मदिन आज है। आपको बता दें कि 1983 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मीनाक्षी ने कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के दिल पर राज किया है। 9 नवंबर को बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का पहला वीडियो सॉन्ग फिलहाल रिलीज हुआ था, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और इसे अब तक 100 मिलियन से अधिक लोगों ने देख चुका है। आपको बता दें कि इस गाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन भी नजर आ रही है और यह गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।